गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन हाउ आई यू अब हम सबको पता है हम स्कूल नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे कोविड की वजह से तो इस कोविड में हमें एक दूसरे का भी ध्यान रखना है और अपना भी रखना है उसके लिए हम क्या करेंगे हम अपने हैंड वॉश बार बार करेंगे हम जब खांसी आएगी या हमें छींक आएगी तो हमें या तो कोई कपड़ा यूज़ करना है हैंकर यूज़ करना है और अगर हमें नहीं मिले तो हमें अपने बेंट एल्बो पे करना है हैंड्स पे नहीं छींकना या खांसना और हमें अपने आइज़ नोज एंड माउथ को भी बार बार टच नहीं करना और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो हमें घर से बाहर नहीं निकलना और अगर हमें घर से बाहर जाना पड़े तो हमें मास्क पहनना है ग्लव्स पहनने हैं और सैनिटाइजर भी लेना है और सबसे ज़रूरी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जब हम घर से बाहर निकलें ठीक है और हमें हेल्दी खाना खाना है बाहर का खाना नहीं खाना तो अब आपने अपना ध्यान रखना है ठीक है बेटा मॉर्निंग चिल्ड्रेन हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग डूंगेल चिल्ड्रेन लास्ट टाइम वी लर्न हाउ टू ऐड टू डिजिट नंबर्स आई होप यूल अगेन इन मैथ नोटबुक लेट्स डू इट सी चिल्ड्रेन वट मैम हि एट सम्स बेटा आज भी हम टू डिजिट नंबर्स को एड करेंगे ये देखो मैम ने लिखा हुआ टी ओ अब हमें पता है टी स्टैंड्स फॉर टेंस प्लेस ओ स्टैंड्स फॉर वंस प्लेस और ये हमारा अपर नंबर है ये लोअर नंबर है एंड दिस इज साइन ऑफ एडिशन और हमें अब ये भी पता है कि जब हम टू डिजिट नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम सबसे पहले वंस प्लेस के अपर नंबर और लोअर नंबर को ऐड करते हैं ठीक है ना हमने वंस प्लेस से स्टार्ट करना है हमेशा टेंस प्लेस से स्टार्ट नहीं करना नाउ look at the upper number here upper number is 7 and look at the lower number here lower number is 2 now how many fingers we will show for lower number we will show 2 fingers for lower number and where we will keep these fingers we will keep these fingers near the lower number at once place and where we will keep our pencil ल कीप आर पेंसिल एट अपर नंबर हम अपर नंबर के ऊपर पेंसिल रखेंगे लोअर नंबर के सामने फिंगर शो करेंगे और नंबर को एड करने के लिए हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपर नंबर के नेक्स्ट नंबर से नाउ हेयर अपर नंबर इज सेवन नाउ टेल मी वट कम्स आफ्टर सेवन एट नाइन सेवन एट नाइन और ये नाइन हम कहाँ लिखेंगे वंस प्लेस पे ठीक है नाउ आप टेंस प्लेस पे आ जाओ टेंस प्लेस पे अपर नंबर क्या है टू लोअर नंबर क्या है थ्री हाउ मेनी फिंगर्स वी विल शो फॉर लोअर नंबर हम लोअर नंबर के लिए कितने फिंगर्स शो करेंगे थ्री और हम ये फिंगर्स कहाँ रखेंगे लोअर नंबर के सामने बट कौन से लोअर नंबर के सामने टें प्लेस के लोअर नंबर के सामने हम फिंगर्स रखेंगे और पेंसिल कहाँ रखेंगे हम अपर नंबर पे अब हमने नंबर्स को ऐड करना है तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपर नंबर के नेक्स्ट नंबर से और बेटा याद रखना है हमने उतनी ही फिंगर्स काउंट करनी है जितना हमारा लोअर नंबर होता है नाउ टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव और हम फाइव लिखेंगे टेंस पे और हमारा आंसर क्या हुआ फिफ्टी नाइन अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ हेयर अपर नंबर इज वन हमने कहा से स्टार्ट करना है वास् प्लेस पे पहले हमने वान्स प्लेस के अपर नंबर को देखना है हेयर अपर नंबर इज वन लोअर नंबर इज वन अब हम कितने फिंगर शो करेंगे वी विल शो वन फिंगर और अब हम ये वन फिंगर कहाँ रखेंगे वंस प्लेस के लोअर नंबर के सामने क्योंकि अभी हम वंस प्लेस के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और हमने अपनी पेंसिल कहाँ रखनी है अपर नंबर पे और हमने नंबर्स को ऐड करने के लिए काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करना है अपर नंबर के नेक्स्ट नंबर से और हमारा यहां पर अपर नंबर क्या है वन वट कम्स आफ्टर वन टू वन टू और ये टू हम कहाँ लिखेंगे वंस प्लेस पे क्योंकि हमने अभी वंस प्लेस के नंबर्स को ऐड किया है नाउ कम एट टेंस प्लेस हेयर अपर नंबर इज थ्री लोअर नंबर इज फोर सो हाउ मेनी फिंगर्स वी विल शो हेयर वी विल शो फोर फिंगर्स और ये फोर फिंगर्स हम कहा रखेंगे टेंस प्लेस के लोअर नंबर के सामने और पेंसिल हमने कहाँ रखनी है अपर नंबर पे और अब हमने ऐड करने के लिए काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करना है अपर नंबर के नेक्स्ट नंबर से अपर नंबर इज थ्री व्हाट कम्स आफ्टर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेवन हमारा आंसर कितना आया सेवेंटी टू अब बेटा आ जाओ नेक्स्ट सम पे अब यहाँ पे भी हमने पहले वंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करना है तो वंस प्लेस पे देखो अपर नंबर इज थ्री लोअर नंबर इज फाइव हमने कितने फिंगर शो करनी है अब अब हम शो करेंगे फाइव फिंगर्स क्योंकि हमारा लोअर नंबर फाइव है और ये फाइव फिंगर्स हम कहा रखेंगे वंस प्लेस के लोअर नंबर के सामने और हमने अपनी पेंसिल कहाँ रखनी है अपर नंबर पे ठीक है और अब हमने ऐड करने के लिए काउंट करना है वो कैसे करेंगे अपर नंबर के नेक्स्ट नंबर से हेयर अपर नंबर इज थ्री नाउ टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हम एट लिख देंगे अब बेटा देखो अगेन टेंस प्लेस पे अपर नंबर इज सिक्स लोअर नंबर इज टू हाउ मेनी फिंगर्स वी विल शो फॉर लोअर नंबर वी विल शो टू फिंगर्स और ये टू फिंगर्स हम कहा रखेंगे लोअर नंबर के सामने और पेंसिल कहाँ रखेंगे अपर नंबर पे और अब हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने काउंटिंग अपर नंबर के नेक्स्ट नंबर से अपर नंबर इज सिक्स नाउ व्हाट कम्स आफ्टर सिक्स सेवन एट सिक्स सेवन एट एंड वी विल राइट एट एट टें प्लेस हमारा आंसर क्या आया एटी एट ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट सम अगेन हेयर अपर नंबर इज नाइन हमने पहले वंस प्लेस के नंबर को एड करना है अपर नंबर इज नाइन लोअर नंबर इज जीरो नाउ हाउ मैनी फिंगर्स वी विल शो फॉर लोअर नंबर जितना लोअर नंबर होता है उतनी हम फिंगर्स शो करते हैं ना तो यहां पर हम कितने फिंगर शो करेंगे नंबर है जीरो जीरो मीन्स नथिंग कुछ भी नहीं तो हम कोई भी फिंगर शो नहीं करेंगे और हम पेंसिल कहाँ रखेंगे अपर नंबर पे। और अब जब हमने नंबर्स को ऐड करना होता है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपर नंबर के नेक्स्ट नंबर से हेयर अपर नंबर इज नाइन बट हमने कोई भी फिंगर शो नहीं की तो नाइन के बाद हमें किसी भी फिंगर को काउंट नहीं करना और अगर हमने नाइन के बाद किसी भी फिंगर को काउंट नहीं किया तो हम यहां पर क्या लिख देंगे नाइन हम किसी भी नंबर में जब जीरो को ऐड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग हमने कुछ भी ऐड नहीं किया उसमें ठीक है नाउ कम एट टेंस प्लेस। हियर अपर नंबर इज फाइव लोअर नंबर इज वन so how many fingers we will show for lower number one and where we will keep this finger we will keep this finger near the lower number at tens place और हम पेंसिल कहाँ रखेंगे अपर नंबर पे और हमने नंबर्स को ऐड करने के लिए काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है अपर नंबर के नेक्स्ट नंबर से अब यहाँ पर हमारा अपर नंबर क्या है फाइव now tell me वट कम्स आफ्टर फाइव सिक्स फाइव सिक्स वी विल राइट एट प्लेस और हमारा आंसर आयान ठीक है बेटा तो आज हमने ये एडसम्स किए हैं आपने डिफरेंट नंबर्स के साथ एडसम्स की प्रैक्टिस करनी है और जिस दिन आप ये काम करोगे उस दिन की डेट भी जरूर लिखनी है यहाँ पर एंड पेरेंट्स आप लोगों से प्लीज एक रिक्वेस्ट है जब आप बच्चों को एड सम्स दें करने के लिए तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि लोअर नंबर चाहे वो वंस प्लेस पे हो या टें प्लेस पे हो फाइव से ज्यादा ना हो और अपर सम अपर नंबर एंड लोअर नंबर का सम नाइन से ज्यादा ना आए चाहे वो वन प्लेस पे हो या टेन प्लेस पे हो क्योंकि अभी हमने सिंपल सम्स करने हैं हम अभी कैरी ओवर सम्स नहीं करेंगे ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू टेक केयर बाय बाय